हमारी बड़ी मांग ये है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारी रिकमेंडेशनें दी हैं, गवर्नमेंट को दी हैं, उसके ऊपर अमल किया जाए। उस ढंग से तमाम डीपीज चाहे वो कहीं पर भी हैं, उनका बसाव किया जाए और जो उनका हक बनता उसको दिया जाए। नंबर दो, वो हमारे नॉन कैंप लोग जिनके पास एक मरला ज़मीन नहीं है, आज उनको कोई ज़मीन नहीं दी गई है, उसको उन लोगों को ज़मीन दी जाए। लाखों घोटाले हुए हैं इस ज़मीन के ऊपर, आज पुराने पापी सामने आ रहे हैं। क्या इनको ये डीपीज नज़र नहीं आते थे? और मैं खुद इनके पास जाता था और ये कहता था कि हमें रहने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन दीजिए, और बोलते थे हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम इसका पैसा देंगे। आज वो घोटाले वाले लोग सामने आ रहे हैं और इस रोशनी एक्ट ने हमारी तबाही कर दी है। अगर वो ज़मीन आज डीपी को दी जाती तो आज डीपी का कुछ बनता, लेकिन आज डीपी रो रहा है इन लोगों को और ये कह रहा है हम बदनसीब हैं। बदकिस्मत हैं जो आज इस दुनिया में आए हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ और अपने गवर्नर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, जनाब ये रोशनी एक्ट जो जिसने हमारी तबाही की है, जो ज़मीन डीपीज को मिलनी चाहिए थी वो दूसरे लोग ले गए। क्या करती रही हमारी हुकूमतें, और हम चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि डीपीज को रिफ्यूजी को ज़मीन दो। आज हम बेबस हैं, लेकिन मैं अभी ये उम्मीद रखता हूँ जो अभी सिलसिला चला है, क्या इस ढंग से हमारा कुछ बन पाएगा। और मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि डीपीज को जो आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं, जो आज बिल्कुल वैसे ही दर बदर हो रहे हैं, आज कस्टोडियन के मकान में रह रहे हैं, उनका किराया लिया जा रहा है, ये क्या तरीका है? क्या ये अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर नहीं आए हैं? इसके ऊपर इंसाफ किया जाए।